हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रंजित मिश्रा और आपका चैनल फिर से हाजिर है। तो जैसे कि आपने मेरे पिछली दो वीडियो में देखा, मैंने आपको रियल गैंग फाइट दिखाई है। तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। नहीं तो इससे पीछे की दो, जस्ट पीछे की दो वीडियो है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मल्टीपल ओपोनेंट से कैसे डिफेंड करते हैं। तो पहले मैं दो लोगों का साथ दूंगा, ललित और करण का, कि ये दोनों मेरे को मारने की कोशिश करेंगे और फिर मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा, ठीक है। तो इस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी निकाल चुका हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ठीक। और फिर चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो ये जैसे कि दोनों मेरे को मारने की कोशिश करते हैं, तो मल्टीपल ओपोनेंट्स में एक बहुत तगड़ा एम होता है। एम ये है कि मुझे इनके बीच में नहीं फंसना, ये करते हैं। अगर मैं इनके बीच में फंस गया तो ये भी मारेगा मेरे को यहां से, ठीक है, ये भी मारेगा। इसको करने का तरीके बहुत कम है, ठीक है। तो इसको हो सकता है आप ही जाओ, ठीक है, किसी के अगेंस्ट फंस भी जाओ, लेकिन उसमें मार पड़ने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो उसके अगेंस्ट भी सॉल्यूशन तो होने ही चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन एम है भाई फंसना नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे कैसे, जैसे पहले बहुत स्लो दिखाता हूँ। तो जैसे ये दो मेरे को घेरने की कोशिश करते हैं, तो मैं एक तरफ हो जाऊंगा और इससे मैं दूरी बना के रखा हूँ। मैं किसी भी एक साइड हो सकता था। अब जैसे मैं ऐसे मार रहा हूँ, ठीक है ना, अब ये आ रहा है, अब ये सोच रहा है पास आने की। अब देखो मैं इस साइड से आ गया, अब ये मारता भी तो इस तरफ मारता, अब मैं इस तरफ आ गया, मैं मार रहा हूँ ऐसे। और अगर ये दोबारा मेरे को मारने आता है, मान लो वैसे तो मैं ऐसे मारूंगा तो ये बेहोश होना चाहिए, नहीं तो मैं फाइटर नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, ठीक है। अब ये मेरे को मारने की कोशिश करता हूँ, तो मैं पहले इसकी तरफ पहुंचूंगा मारेंगे। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। तो ये तो एक तरीका है, ठीक है ना, ये एक तरीका है कि मैं इसकी तरफ जाऊं इससे डिस्टेंस बना लूं, या इसकी तरफ जाऊं इससे डिस्टेंस बना लूं, ठीक है। मैं एक एक वीडियो में आपको सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर एक तरीका ये भी होता है कि मैं फटाक से जल्दी से एक को मारूंगा और दूसरे बार पहुंच जाऊंगा, यानी दूसरा और फिर मैं घुस जाऊंगा। तो मैंने पहले स्ट्राइक इनिशिएट कर दिया था, ये मारूंगा और फिर मैं गया, ठीक है ना। तो वैसे ही मैं इसके साथ भी कर सकता था, ये मारा, अब मैं ऐसे दूर हो गया, ऐसे मैं दूर हो गया, अब मैं ये मेरे से घेरने की कोशिश करता, मैं इधर आ गया था, अब फिर मैं ऐसे मार, ठीक है, अब मैं इसके पास जाता हूँ। तो देखो, एक तो मैं जो आपको जो भी चीज दिखा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता ये क्या करने वाले हैं, मैं उस पर बनाता भी नहीं हूँ, वो बहुत ही कम ऐसे वीडियोस रहते हैं, तो उसमें मैं स्पेशली बता देता हूँ। तो मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, सही बोलूँ तो, क्योंकि ये जो करेंगे आप उसके अगेंस्ट मेरे अपने आप ही रिएक्शन निकलेंगे, ठीक है। तो फिर अभी देखते हैं। तो ये जैसा आ रहा तो इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको हर एक बॉडी पार्ट चलाना चाहिए। अगर मान लो मेरे से चिपट जाता यूं करके, तो मुझे इसमें क्या लगती है कि ये भी अगर आ रहा है तो भी मैं स्ट्रीट पे थोड़ा ब्रूटैलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक्स करते हैं जिसपे फाइट जल्दी खत्म हो। कायदे से 2-4 सेकंड में एक बंदा खत्म होना चाहिए, खत्म बोल दो, कम से कम नॉकआउट होना चाहिए, हाथ पैर टूटने चाहिए उसके, तब तो कोई फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है, क्योंकि फिर ये बार बार आएगा, ये बार बार आएगा। वो तो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया कि हाँ ये भी आ रहा है, ताकि समझ जाए, नहीं तो ये फिर बार बार आएगा, इतनी लंबी फाइट चलती नहीं है, वो बेकार तरीका है। एक चीज और जो आपको काफी सारे मास्टर्स ऐसे बताते हैं कि इसने मेरे को मारा, फिर मैंने इसको रोका, फिर ये मारा, फिर इसको मारा, फिर ये बिल्कुल बेकार तरीका यार, ये फिल्मों में होता है, ठीक है। हम भी शॉर्ट फिल्म्स करते हैं, जिसका उसका भी लिंक मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगा, ठीक है। हमारे भी शॉर्ट फिल्म्स है, ठीक है, उसको आप देखिएगा, ठीक है, वो सुंदर लगती देखने में। रियलिटी वैसे नहीं होती कि मैं इसको रोकूं फिर ये मारूं और ये देखते रहेगा, हाँ 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 मैं इसको करूं, मैं इसको लॉक कर दूं, ठीक है, और ये देखते रहेगा, दोनों साथ ही आएंगे मारने के लिए। उसके लिए फुटवर्क कितना मायने रखता है कि भाई मैं अगर इसको कोई भी चीज कराऊं ना, इवन मैं कोई लॉक भी करता हूं,
ठीक है ना, अगर कोई लॉ मेकर है तो अपने उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ मारते जाना है, साथ साथ मारते रहना, मार ऑफेंसिव इतना अच्छा होना चाहिए कि बंदा जल्दी गिर जाए। तो ऐसे ही मैं आपको रियल वीडियोस, जो रियल लाइफ फाइटिंग वीडियोस है वो लेके आऊंगा, उस पर कैसे अपने आपको डिफेंड करना है ये बताते रहूंगा। उसके लिए आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सिर्फ वीडियो देखो ही मत, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लाइक और शेयर करते रहो ताकि लोगों में जागरूकता फैले। सोशल जिम्मेदारी आपकी, ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी है। चलो फिर मिलते हैं, हर हर महादेव।